एसपी ऑफिस के रिकार्ड शाखा में पदस्थ एक आरक्षक ने अपने साथी आरक्षक पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरक्षक माधव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराने भी पहुंचा था। आरक्षक ने आरोप लगाया कि मारपीट की घटना के बाद भी थाने पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। कंट्रोल रूम स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रिकॉर्ड शाखा में पदस्थ आरक्षक गोपाल सुरावत ने अपने साथी आरक्षक पंकज चौरसिया पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। माधव नगर थाने पहुंचे यहां उसने बताया कि ड्यूटी कानबिंग गश्त में लगाई गई थी। ड्यूटी गए सभी पुलिसकर्मी लौट आए थे। इसके बाद भी ड्यूटी लगाने वाले आरक्षक पंकज चौरसिया ने रोल कॉल के लिए बुलाया। जब आरक्षक गोपाल वहां पहुंचा तो पता चला कि उसकी अनुपस्थिति लगाई गई है। इस बात को लेकर गोपाल ने पंकज चौरसिया से चर्चा की तो सुबह आने का हवाला दे दिया। रविवार को सुबह जब गोपाल पुलिस लाइन गया तो उस दौरान पंकज चौरसिया ने उसके साथ मारपीट कर दी। आरक्षक गोपाल का कहना है कि घटना के बाद जब वह माधव नगर थाने पहुंचा तो किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। यहां तक कि उसके साथ मारपीट होने के बाद भी उसे MLC के लिए नहीं भेजा गया। थाने में कहा गया कि अधिकारी आने के बाद बात सुनी जाएगी। माधव नगर थाने में आरक्षक गोपाल सुरावत का कहना था कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके द्वारा पूरी ड्यूटी करने के बाद भी अनुपस्थिति लगाई जा रही है। आरक्षक गोपाल ने उसके साथ हुई मारपीट में चोट के निशान भी बताए हैं। नहीं हो पा रहा, उसने मेरे साथ मारपीटी करी है। माधवगढ़ थाने में मुझे लिया है, साहब चले गए यहाँ से कम चीज आज निशान दिखे रहोगे आपको। ये ड्यूटी करने के बाद भी ऐसे प्रताड़ना हो तो क्या मतलब, पुलिस विभाग तक अनुशासन विभाग है, इसके बाद भी हमारे साथ ऐसी प्रताड़ना होगी। जो पुलिस जवान जो मरते हैं वो ऐसे लोगों की वजह से ही आत्महत्या करते हैं।